देश दे विच महंगाई अपने शिखर ते है। इसे दरमियान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा देश च महंगाई अपने टॉलरेंस के पद्धर से थोड़ी उपर है, अजिहे विच इसनू कंट्रोल किया जा सकता है। हाले फिलहाल महंगाई नाल कोई वड्डा नुकसान तो नहीं हुआ है, इसलिए सरकार अते देश दोवें ही महंगाई नू कंट्रोल करन लई हर संभव यतन कर रहे ने। दस दिए कि देश में महंगाई नाल आम आदमी की जेब से काफ़ी बोझ वधिया है। इस तो बाद सरकार ने प्लान बनाया है कि वह महंगाई को किवें काबू च लिया सकते हैं। अजिहे च उम्मीद की जा रही है कि छेती ही आम आदमी पार्टी को वधदी महंगाई तो राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को कहा कि भारत च महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सरकार लगातार यतनशील है। उन्होंने कहा असी बहुत ही कैलीब्रेटेड तरीके नाल काम किया है। दस दिए कि भारत की मार्च लई सालाना परचून महंगाई लगभग 15 महीनों च सब तो घट रफ्तार नाल वधी है, टॉलरेंस पद्धर से थोड़ी तो उपर है। देश च वधदी महंगाई लई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मौसमी समस्यावां नूं दोष दिता है। वित्त मंत्री ने कहा मौसमी समस्यावां कारण सप्लाई घट हुई जिस नाल महंगाई वधी है। हालांकि उन्होंने भी कहा है जरूरी समान दी कीमतां च नरमी लियाउण ते यतनां नाल उस ते लगातार नज़र रखी जा रही है।